इस बीच बड़ी खबर एक आपको हम बता दें, साहिबाबाद में एक कपड़े की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। इस आग में 12 लोगों की मौत की खबर आ रही है। दमकल के करीब एक दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने की मशक्कत में जुटी हुई है। तो इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद की बताया जा रहा है कि एक जैकेट फैक्ट्री में भीषण आग की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 5 बजे से लगी है ये खबर फैक्ट्री में। सुबह 5 बजे ये खबर सामने आई है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, पूरी खबर बताएं। देखिए, ये जो इलाका है ये शहीद नगर है साहिबाबाद का, वहां पर है काफी कंजेस्टेड इलाका है और वहां पर बेहद छोटे छोटे प्लॉट में, समझ लीजिए 20 से 25 मीटर की जो छोटे छोटे प्लॉट है उसमें फैक्ट्री ये बनी हुई थी और ऊपर कई फ्लोर बनाए गए थे और इसमें जैकेट का, जीन्स का ये काम होता था, जिसकी वजह से अंदर रैक पीन और ऐसे केमिकल्स रखे हुए थे जिसमें आग बड़ी तेजी से फैलती है। सुबह 5:30 बजे के आसपास पड़ोसियों ने देखा कि इस मकान से धुआं निकल रहा और थोड़ी देर में उन्होंने लपटे निकलते हुए देखा। फौरन फायर डिपार्टमेंट को फोन किया गया। फायर की गाड़ियां मौके पर जब पहुंची तो उन्हें पता लगा कि अंदर 10 से 12 लोग मौजूद थे। फौरन आग बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन चूंकि अंदर जो चीजें थी वो सभी जलने में सहायक थी, जो रैक्टीन है, जो केमिकल्स है, इसकी वजह से अंदर एक दो छोटे मोटे धमाके भी हुए और अंदर घुसने की कोई जगह नहीं थी फायर के लोगों को। जब तक आग पूरी तरीके से बुझाई गई तब तक जो अंदर लोग थे वो पूरी तरीके से ट्रैप्ड हो गए थे। शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि ज्यादातर इस तरह के जो फैक्ट्रीज होते हैं उसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स का कोई इंतजाम नहीं होता, वो ध्यान नहीं रखते, इस तरह से इसलिए दुर्घटनाएं सामने आती है। 12 लोगों की मौत हो गई है। और आइए अब देखते हैं खबरें सुपरफास्ट।